दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी, आप अपने बच्चे को मत बिगाड़ो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। भाभी, आप ये सब कैसे सहन कर जाती हैं? पद और उम्र दोनों में बड़ी हैं आप उससे, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपके बालों को गुच्छे से इतनी जोर से खींचने की? मामी हैं आप उसकी, आपको उसे समझाना चाहिए कि ये सही नहीं है। अपनी जेठानी मीना की ओर आश्चर्य से देखते हुए आशी ने कहा, अरे आशी छोड़ो, बच्चा तो है, बेकार बात बढ़ा कर क्या करना। बेटू को कुछ बोला नहीं कि माजी और दीदी दोनों को बुरा लग जाएगा, दीदी पूरा घर सर पर उठा लेगी और सारा दिन मुझे कोसती रहेगी। भाभी, आपको नहीं लगता कि गलत बातों को सहन कर कि आप अपना खुद का तो नुकसान कर ही रही हैं? बेटों की बदतमीजी पर पर्दा डालकर उसे बिगाड़ने में भी सहयोग कर रही हैं। दीदी को बुरा लगे तो लगने दो, बच्चे के भविष्य का सवाल है। उनके बच्चे की बदतमीजी उसने मालूम तो पड़नी चाहिए ना। मालती देवी के छोटे बेटे आरव की दुल्हन बनकर आशी 6 महीने पहले इस घर में आई थी। पग फेरे की रस्म के बाद मायके से वह सीधे मुंबई चली गई थी, जहां आरव की पोस्टिंग थी। अब 6 माह बाद वह ससुर जी की बरसी पर शादी के बाद पहली बार गांव आई है। वह 2 रोज से देख रही है कि उसकी जेठानी मीना भाभी दौड़ दौड़ कर शक्कर घिन्नी जैसी चारों ओर घूमते हुए दोनों ननद और उनके बच्चों की सेवा में लगी रहती हैं। मीना भाभी ने हंसते हुए जब आशी की बात को टालने की कोशिश की तो उसने फिर पूछा, भाभी सच बताइए, आप थकती नहीं हैं? ऐसा करके बिट्टू और मीनू दोनों बड़े बच्चे हैं, किचन में जाकर खुद से पानी लेकर पी सकते हैं। फिर भी आप जहां वो बैठे होते हैं वहां जाकर उनके हाथ में पानी का गिलास पकड़ाती हैं। आपको नहीं लगता आप उनकी आदतें खराब कर रही हैं? आशी इस घर के लोगों को और कायदे कानून को धीरे धीरे समझ जाओगी। तुम 10-15 दिन के लिए आती हैं दोनों ननद, क्यों किसी को कुछ बोलकर बुरा बनना? तुमने यदि कुछ भी उनके या उनके बच्चों के विरुद्ध बोला तो बुरी बहू की उपाधि से नवाज दी जाओगी। इसलिए जो हो रहा है चुप साप देखती जाओ। भाभी, मैं सबको खुश रखने के चक्कर में दौड़ दौड़ कर आपके जैसे अपने आप को थका नहीं सकती हूँ। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज है, और किसी की गलतियों को नजरअंदाज कर चुप भी नहीं रह सकती और ना ही गलत को सही कह सकती हूँ।
कोई मुझे बुरी बहू कहे तो कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता जिसे आपको बुरा कहना है, वह आपको बुरा ही कहेगा। आप उनके लिए कितना ही कुछ कर लो, वह आप में दोष ही ढूंढेगा, गुण नहीं। आशी और मीना इस बात से बेखबर थी कि दोनों ननद उनकी बातें सुन रही हैं। उन्होंने भाभियों की 20 साल रही बातें अपनी माँ को बताई। बिट्टू बड़ी ननद सीमा का बेटा है और मीनू छोटी ननद मीता की बेटी है। दोनों बराबरी की उम्र 11-12 साल के हैं। आशी कुछ देर अपनी सासू माँ और ननद के पास बैठ बात करने के उद्देश्य से दोपहर में किशन का काम खत्म कर बाहर ड्राइंग रूम में आई तो उसने देखा सासू माँ और दोनों ननद का मुंह गुस्से से फूला हुआ है। उसे समझ नहीं आया कि इन लोगों को हुआ क्या है। किसी ने उससे कोई बात नहीं की तो वह चुपचाप रूम में जाकर सो गई। शाम की साई के समय मालती देवी का गुच्छा फूट पड़ा। उन्होंने आशी को तो कुछ नहीं बोला किंतु मीना को खूब सुनाई। मैंने तो अपनी ननद और उनके बच्चों का हम अकेले किया है। तुम्हारी तो दो ही ननद हैं और बच्चे भी दो ही हैं। उनका भी काम तुमसे नहीं होता है वगैरह वगैरह। मीना बार बार पूछती रही क्या हुआ माँ जी, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या, लेकिन कोई कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था। इतने में बिट्टू 20 में बोला छोटी मामी बुरी है, वह किशन में आपसे हमारी बुराई कर रही थी। आशी ने बिट्टू को पकड़ा और अपने और खींचते हुए बोली बिट्टू तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं बड़ों से कैसे बात की जाती है। मैं 2 रोज से तुम्हारी बदतमीजी देख रही हूँ। अगली बार तुमने इस तरह से बात की तो मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊंगी। फिर ननद की और मुखातिब होकर बोली दीदी आप इसे कुछ कहती क्यों नहीं हो। बात संभालने के उद्देश्य से मीना भाभी 20 में बोली आशी तुम बिट्टू की बात का बुरा मत मानो, वह ऐसा ही है, अपने पापा पर गया है बिल्कुल गुच्छेल। आची के हाथ से बिट्टू को सुड़ाते हुए वह आगे कहने लगी पंडित जी ने बताया है इसकी जन्म पत्रिका में मंगल दोष है, इसलिए इसका गुस्सा तेज है। भाभी जन्म पत्रिका में दोष है और उसका गुस्सा तेज है, इसका मतलब ये थोड़े हैं कि बैठकर दोष खत्म होने का इंतजार किया जावे और बच्चे को संस्कार ही नहीं दिए जाए या उसके गुस्से से डरा जावे। उसे बड़े छोटे और अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं कराई जाए। इतने में आशी का गुस्सा बिट्टू ने मीनू पर उतारा। उसने मीनू को 3-4 झापट झड़ कर जोर से छोटी ननद मीता की ओर धक्का देते हुए कहा गवार कहीं का
जा मर अपनी माँ के पास, वह तो अच्छा हुआ। मीनू अपनी माँ की गोद में ही गिरी, जमीन पर गिरती तो उसका सर ही फूटता। उसकी इस हरकत पर भी किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उल्टे सीमा ने आसी को कहा, भाभी पढ़ी लिखी होकर तुम राई, सी छोटी छोटी बातों का पहाड़ बनाओगी, तुमसे तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। दीदी पढ़ी लिखी हूँ इसीलिए तो चुप नहीं रह पाई मैं, जिस बात को आप छोटी बात कह रही हैं वह छोटी बात नहीं है। बच्चों को अभी से सही संस्कार नहीं मिलेंगे तो बड़े होकर उनका भविष्य बिगड़ना तय है। अभी उसने अपनी बहन को मारा है, कल बड़ा होकर अपनी बीवी पर हाथ उठाएगा, आपको अंट संट बोलेगा फिर। तब सीमा ने अहंकार भरे शब्दों से कहा, हमें पता है हमारे बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल है, आपको पता नहीं है कि हमने अपने बिट्टू को शहर के सबसे महंगे स्कूल में दाखिला दिलाया है। दीदी भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है किसी को नहीं पता, और शिक्षा का संस्कार से क्या संबंध है। स्कूल में शिक्षा दी जाती है जबकि संस्कार बच्चे को घर परिवार से मिलते हैं। आप सोचिए, यदि जीजा जी को बचपन से ही आप की सासू माँ ने महिलाओं की इज्जत करना, उन्हें सम्मान देना सिखाया होता तो क्या कभी उनका हाथ आप पर उठता। मालती देवी जो गुस्से से मुंह फुलाए बैठी थी बीच में बोली, सीमा बेटा आसी बहू ये बात तो सही कह रही है, अभी से इसे सही गलत का ज्ञान नहीं कराया तो सच में ये अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने लगेगा, और आगे चलकर तुम्हारे लिए हमारे लिए सब के लिए दुखदायी होगा। सीमा ने गुस्से से बिट्टू को 2-3 थप्पड़ झड़ दिए। दीदी बच्चे को डांट कर या मार कर नहीं, प्यार से सुधारिए, उसमें भावनाएं और संवेदना जगाइए, तब उसे सही गलत की समझ आएगी। तुम सही कह रही हो भाभी, पहले कभी किसी ने इसकी बदतमीजियों को गंभीरता से लिया ही नहीं। इसकी गलतियों को नादानी कह कर हम हंसी में ही टालते रहे, परिणाम स्वरूप ये दिन पर दिन बदतमीज होता जा रहा है। अभी मीनू का सर ही फोड़ देता। मीना भाभी सोच रही थी मैं सबसे अच्छा बने रहने, सबको खुश रखने के चक्कर में सभी की छोटी बड़ी गलतियों को नज़रअंदाज कर देती हूँ जो वाकई में गलत हैं। जो बात आसी ने आज सबके सामने कही वही बात 2 साल पहले से मैं दीदी को बोलना सहा रही थी, पर दीदी को बुरा ना लग जाए सोच कर उन्हें बोल नहीं पाई, और कभी बिट्टू को भी नहीं रोक पाई। इतना करने के बावजूद भी बच्चे बड़े सभी मेरे आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाते रहे, और मैं सबसे अच्छे बनने के चक्कर में चुप रही, और आज तक किसी ने मेरी तारीफ नहीं करी। सब
मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेने लगे। आसी ने आज अच्छे बुरे की परवाह न करते हुए सही और शोभती हुई बातें बोलकर भी सबका दिल जीत लिया। दोस्तों बच्चे किसी के भी हो, उनका संस्कारित होना जरूरी है। आसी भले ही बिट्टू की माँ नहीं थी, पर उसे बच्चे का भविष्य बिगड़ने की चिंता थी। अपने आत्म सम्मान की परवाह न करते हुए सबकी नजरों में अच्छा बने रहने के लिए अपनी जेठानी का सबका अच्छा बुरा सहते हुए सुप साप हर कार्य को करते रहना भी उसे अपनी नजर में सही नहीं लग रहा था, और इसीलिए वह सुप नहीं रह पाई। मेरे विचार से भी यदि हम सही है और अपने बुरे बनने से अपने किसी का अच्छा हो रहा है तो दाग अच्छे हैं कि तर्ज पर कुछ समय के लिए दूसरों की नजर में बुरा कहलाने में कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।